देखो दोस्त, वैसे तो आजकल 20,000 में डिसेंट परफॉर्मेंस वाले फोन ही नहीं मिलते, बट इन सब के बीच मैंने एक ऐसा अंडररेटेड फोन ढूंढ निकाला है जो कि 20,000 तो छोड़िए, इसकी परफॉर्मेंस के आसपास 30,000 वाले फोन को भी आ पाना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, क्योंकि यह इंडिया का इकलौता फोन है जिसमें डायमेंसिटी 8100 विद LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, और इन सब कॉम्बिनेशन से ये Antutu बेंचमार्क में 8.5 लाख तक स्कोर कर देता है। रेफरेंस के लिए बता दूं, जो 20,000 वाला जो एवरेज फोन होता है वो उसी सेम टेस्ट में केवल 4 लाख ही स्कोर कर पाता है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस में ये वाला फ़ोन 20,000 के अदर फोन से आगे है। एंड इसके अलावा जहां 20,000 के कई फोन्स आज भी 90Hz के डिस्प्ले पे अटके हुए हैं, इस फोन में 144Hz का लिक्विड FFS डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके गेमिंग के साथ साथ डेली लाइफ के जितने भी काम होंगे आपको वो एकदम बटरी स्मूथ करवा के देगा। अब खैर, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो मैं आपको बताता हूं फोन का नाम, और ये फोन है Redmi K50i, जो कि अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे 20-21,000 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है बिना किसी कार डिस्काउंट के, और अगर आप कार डिस्काउंट वगैरह कर देते हो तो ये 20,000 के नीचे भी अवेलेबल हो जाएगा। वैसे अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं भी आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। अब अगर मुद्दे की बात करते हैं तो देखो दोस्त, डिजाइन इस फोन का ऐसे कोई सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, काफी सिंपल काफी मिनिमलिस्टिक सा डिजाइन है। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। अच्छी बात यह है कि ये सैमसंग का GW1 सेंसर है जो कि इमेज प्रोसेसिंग काफी अच्छी करता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और 2 का 1 मैक्रो चिपका दिया है। अब इन सबसे हटके जो अच्छी चीज निकल के आती है, ये एक रेडमी का फोन है और पूरा इमेज प्रोसेसिंग यहाँ पे रेडमी वाला इंप्लीमेंट हो जाता है, काफी अच्छे फोटोज वीडियोज ये फोन निकाल लेता है और काफी डिफरेंट डिफरेंट आपको मोड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बैक साइड से रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K 30fps तक वीडियो आप इस फोन से आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो, और कंपैरिजन के लिए जो 20,000 के बहुत सारे फोन है वो आज भी फुल HD तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सामने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और इमेज वगैरह वहाँ पे भी काफी अच्छे आते हैं। अब वैसे तो ये कोई कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, इसका जो मेन एम है वो अच्छी गेमिंग करवाना है, और गेमिंग में ये फोन बखूबी निभाता है, बट कैमरा ऐसा नहीं है कि बेकार है, आपकी अच्छा आपको कैमरा 20-22 हज़ार के हिसाब से देखने के लिए मिल जाता है। अब गेमिंग के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, पहला डिस्प्ले, दूसरा परफॉर्मेंस, तीसरा बैटरी। स्टार्ट अगर डिस्प्ले से करते हैं तो फोन में 6.6 इंचेस का एक 144Hz रिफ्रेश रेट वाला एक लिक्विड FFS डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसको आप सिंपल टर्म्स में बेटर क्वालिटी का LCD डिस्प्ले बोल सकते हो। अब ये LCD बेसिक है लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 650 nits का पीक ब्राइटनेस है जो कि आपको इंडोर आउटडोर हर जगह काफी पड़ेगा, HDR10+ का सर्टिफिकेशन है, डॉल्बी विजन का भी यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है, इनफैक्ट यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोडक्शन दे रखी है, तो डिस्प्ले भी कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है, एकदम मस्त डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से दे रखा है। अब ये LCD डिस्प्ले टाइप का है तो इसलिए यहाँ पे माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। दूसरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, डायमेंसिटी 8100 देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे जो प्राइम परफॉर्मेंस कोर है वो 2.85 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है, और ये ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है, काफी सस्टेन परफॉर्मेंस निकाल के देता है, और Antutu बेंचमार्क में जैसा मैंने बताया 8 लाख+ स्कोर कर देता है, और इस प्राइस पीरियड ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अभी के टाइम पे जितने भी हैवी गेम्स हैं, चाहे वो BGMI हो, COD हो, फ्री फायर मैक्स हो या फिर PUBG न्यू स्टेट हो, सभी गेम्स में एकदम जो मैक्स सेटिंग होती है वो आपको अवेलेबल होती है, 60fps, 90fps, आप आसानी से इस फोन में आप सभी गेम्स को खेल सकते हो और फोन में कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगी। अब गेमर्स के लिए डुअल स्टीरियो स्पीकर हो जाना काफी बढ़िया बात होती है, क्योंकि आप जब बिना ईयरफोन के खेलते हो तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स में फुटस्टेप्स वगैरह की साउंड आसानी से जज कर ली जाती है, और वो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इस फोन में दे रखे हैं, साथ में डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट है, और अगर आप ईयरफोन के साथ खेलते हो तो गेमिंग फोन में 3.5mm जैक का गड्ढा मिल जाए ना, तो इससे ज्यादा अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, 3.5mm जैक का गड्ढा भी इस फोन में दे रखा है। अब अगर बैटरी की बात करते हो तो फोन में 5080mAh का बैटरी दे रखा है, 67W की चार्जिंग है, आप अगर गेमिंग करते हो तो 5-6 घंटे आसानी से टिक जाएगा, नॉर्मल यूज केस में 7-8 घंटे तक भी बैटरी टिक जाएगा, और अगर आपका बैटरी जीरो भी हो जाता है तब भी 50 मिनट में फुल चार्ज आपका हो जाएगा। अब ये Redmi का फोन है तो MIUI 14 के ऊपर रन कर रहा है, और आउट ऑफ द बॉक्स इसमें Android 12 आया था, एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी ये Android 13 पे रन कर रहा है, और इसको एक और Android का अपडेट मिलेगा, ये Android 14 तक चला जाएगा, बस यही एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि इस प्राइस के ज्यादातर फोन्स Android 15 तक चले जाएंगे और ये Android 14 तक ही पहुंच पाएगा। अब MIUI आपकी पसंद की चीज है, आपको पसंद आता है या फिर नहीं आता, उसका आपको जो डिसीजन है वो आपको खुद लेना होगा। अब ये मैं भली भांति जानता हूं कि जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं उनको ये बकाया फीचर से फर्क नहीं पड़ता, और आपकी गेमिंग ही मेन प्रायोरिटी है और बजट 20-21 हज़ार है, तो डेफिनेटली आप इस वाले फोन को चेकआउट कर सकते हो, अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, जल्दी जाओ, और अगर आपको गेमिंग अच्छी करनी है तो इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। बात होगी वीडियो में बस इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ऐसे वीडियोस में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है।